सो वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अनुज मुदगल फ्रॉम एम स्टडी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है कक्षा 8वीं का चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस क्लास से रिलेटेड साइंस की वीडियोज़ डालता रहता हूँ। सो दिस इज़ मी, माई नेम इज़ अनुज मुदगल एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई मी एंड दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ अनुज मुदगल एंड देर आर इस वीडियो को दो पार्ट होने वाले हैं, और इस वीडियो का पहला पार्ट है, तो इसको कृपया करके पूरा देखेगा। तो चलते चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर डिस्कवरी कैसी हुई सेल की, सेल कैसे डिस्कवर किया गया, और उसके बारे में सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको ये टर्म नया होगा आपके लिए, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे उनका शेप्स एंड साइजेस, वो किस किस शेप और किन किन साइज़ में हमें मिलते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे शेप्स और साइज़ में मिलते हैं, तो देखिए अगर, और इसके बाद हमारा फाइनली लेसन याद हो जाएगा। आप अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में इस वीडियो को देखकर। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ सेल के बारे में बताएगा। और देखिए सबसे पहले आप जब सेल को सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो फ़ोटो आती है वो कौन सी आती है? यही आती है ना, बहुत छोटी सी चीज़ है ऐसी, इस तरह की, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमारा घर है, तो घर को जो है वो एक एक ईंटों से बनाया जाता है। तो उसमें ईंट जो है ना, एक छोटी सी ईंट, छोटी छोटी ईंट मिलेंगी तो एक पूरा घर तैयार हो जाता है बड़ा सा। ऐसे ही एक छोटा छोटा सेल मिलेगा तो एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर देना, मैं आपको बता सकता हूँ। तो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, एक ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है ये बेसिकली। सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल, सेल एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। कैसे कि स्ट्रक्चरल, जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। तो उन छोटे 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 सेल्स ने हमारी इस पूरी बॉडी को जन्म दिया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल कैसे, मान लीजिए हमारा पेट है, तो पेट जो है वो खाने को पचाने का काम करता है, स्टोमैक। तो वो जो स्टोमैक है, स्टोमैक भी तो सेल से बना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है। अब इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको इधर तक को समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या मेन मेन डिफरेंस है इनमें। चलिए नंबर ऑफ सेल्स, अब कितने सेल्स होते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स में ये भी देख लेते हैं। नाउ दे कैन वेरी फ्रॉम वन टू मैनी, ये एक भी हो सकता है, एक सेल, जैसे कि पूरा एक सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है, और ये बहुत सारे सेल्स, बहुत सारा भी हो सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स में बनी है, लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब इसी के आधार पर कितने सेल्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, इसी के आधार पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनि सेलुलर, यूनि का मतलब होता है, टर्म यूनि का मतलब है वन। जैसे कि ये जो यूनि है ना, इसका मतलब है सिर्फ वन, और इस मल्टी का मतलब होता है, मल्टी मतलब होता है टू और मैनी, टू और मैनी। सेलुलर इज रिलेटेड टू सेल, मतलब एक सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है। जैसा कि ये हमें एग्जांपल मिलता है देखने के लिए पैरामीशियम में और ये अमीबा में। अब पैरामीशियम में कैसे मिलता है, चलिए बताता हूँ मैं आपको पैरामीशियम में कैसे मिलता है। ये देखिए ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये रहा पैरामीशियम का फिगर। पैरामीशियम में ये सीलिया होता है, सीलिया ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। और देखिए बस ये पूरा का एक सेल है, और इस एक सेल में ही सब कुछ होता है, जो भी इसका खाने पचाने का काम है, चलने का काम है, एक्सक्रीशन का काम है, रिप्रोडक्शन का काम है, सभी एक सेल में होता है। तो ये याद रख लेना, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीलिया। और ये है एग्जाम्पल अमीबा का, अमीबा भी एक यूनिसेलुलर है, मतलब सिर्फ एक, ये वन सेल से बना है, ओनली वन सेल। तो देखिए इसमें होता है सूडोपोडिया। क्या सूडोपोडिया? लगता है मुझे आपने ये 7th क्लास में भी देखा है अमीबा का फिगर, इसलिए आप इसको फैमिलियर हो सकता है। तो सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की मदद से यह एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है, और ये भी एक यूनिसेलुलर है, समझे ना? ठीक है, तो ये है अमीबा और
ये है पैरामीशियम। ओके भैया, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, हमें ये भी पता पड़ गया। और चलते हैं आगे, आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे बहुत सारी डिस्कवरीज देखेंगे सेल की। अब एक बात बताना, मैं आपको भूल गया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हैं, जैसे कि ये है अमीबा और पैरामीशियम, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स इसके एलिफेंट्स हैं, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, जैसे कि आप और हम। आगे चलते हैं, आगे चलते चलते हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इतनी देर से हम देखते आ रहे हैं कि सेल क्या है, सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के हैं, अब सेल की डिस्कवरी किसने की वो भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी को किया। अब रॉबर्ट हुक के नाम याद रख लेना, एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही पूछ सकते हैं, या इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और चलते हैं, इन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप तैयार किया, खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने मेंस में लिख सकते हैं, मतलब जो भी पेपर देंगे आप उसमें लिख सकते हैं, रॉबर्ट हुके ने डिस्कवर किया था सेल। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप की जो एफिशिएंसी थी ना, एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता, उसको बहुत ही तेज कर दिया, मतलब 10 गुना 20 गुना कर दिया। ये रहे रॉबर्ट हुके, रॉबर्ट हुके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे भैया ये, रॉबर्ट हुके। इन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की 1665 में। और ये रहा, देखिए इनका माइक्रोस्कोप भी बहुत अजीब सा है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, अपनी लेबोरेटरी में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप है ना खुद बनाया था। इन्होंने क्या किया कि एक बार्क ऑफ लिविंग ट्री को लिया, ठीक है, बार्क ऑफ लिविंग ट्री, ये बार्क ऑफ लिविंग ट्री, तो इन्होंने उसको नीचे रख के देखा उसके, तो उनको इनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किस तरह का, मैं जो बना रहा हूँ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इनको जो है ना हनीकॉम जैसा लगा, कैसा, हनीकॉम स्ट्रक्चर। अब हनीकॉम स्ट्रक्चर लगा तो इन्होंने और भी स्टडी की इसके बारे में, तो इन्होंने बहुत कुछ देखा इसमें। अब हालांकि इन्होंने ये याद रखिएगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने सेल की डिस्कवरी करके छोड़ दी है, ना कि उसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस डिस्कवर किया, यदि आपको पता हो तो थोड़ा सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को फिर से देख लीजिए आप, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, रॉबर्ट हुके ने, आप पढ़ भी लीजिए। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कवरी ऑफ सेल इज डन बाई रॉबर्ट हुके, ही डिजाइंड अ सेल्फ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, एंड ही इम्प्रूवड द माइक्रोस्कोपिक एफिशिएंसी। इवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी, थ्योरी क्या होती है, कुछ भी जो बहुत ही बहुत रिटन फॉर्म में हो। तो इवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आई कहाँ से, किसने किया सेल थ्योरी कन्वेंशन देखते हैं। तो रॉबर्ट हुके 1660 का डिस्कवर्ड सेल, ये तो हमें पता ही है, रॉबर्ट हुके ने 1665 में खोज कर दी थी सेल की। रॉबर्ट ब्राउन आए, एक साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में, किस में, 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। किसको, न्यूक्लियस होता है ना, जैसे कि एक सेल है तो इसमें एक बीचों बीच जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन जी ने डिस्कवर कर दिया, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये याद रख लेना। अब स्क्लैडिन एंड स्कॉन, ठीक है, स्क्लैडिन एंड स्कॉन 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया, मतलब बताई दुनिया को भैया सेल थ्योरी है क्या आखिर में। अब ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट हुके ने तो सिर्फ सेल को डिस्कवर किया था, बट रॉबर्ट ब्राउन ने उनके न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया 1831 में, और स्क्लैडिन एंड स्कॉन ने एक सेल थ्योरी बना दी 1839 में। अब उसके मुताबिक क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के मुताबिक। वर्चो, एक वर्चो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि सेल्स जो होते हैं वो पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा हो सेल उसी से निकलते हैं, अदरवाइज वो अपने आप जन्म नहीं लेते, और यह बात उन्होंने 1855 में बोली थी। अब ये भी पॉइंट है, ये चार पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पर्सपेक्टिव से, इवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से चलते हैं। अब देखिए, स्क्लैडिन है एक, ईआरलाम एक, स्कॉन है, और ये वर्चो, ये तीन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को बनाया। चलो, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, अब सेल बना किससे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल बनेगी, हमने पता है कि भैया सेल होता है, बट ये बना किससे है, तो सेल जो है वो सेल ऑर्गिनल से बना है, किससे, सेल ऑर्गिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो सेल होता है वो अपना फंक्शन है ना, जो भी कुछ काम करेगा
वो सिर्फ इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स की वजह से ही कर सकता है। अब देखिए, हर सेल में एक ही तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जो सेल के अंदर पाए जाते हैं कंपोनेंट्स। अब हर सेल में एक ही तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन। बट वो ये नहीं देखते कि आप क्या फंक्शन कर रहे हो और कौन से एनिमल्स में फाउंड, कौन से ऑर्गेनिज्म में फाउंड हो रहे हो। अब देखिए, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ऑर्गेनल्स ये रहे, बहुत मेन मेन इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, बहुत मेहनत करके लिया है ये फोटो। एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस, साइटोसोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी दो होती हैं एंडोप्लाज्मिक में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में भी बहुत, 4-5 स्लाइड के बाद बताऊंगा। बट ये देखिए, जो है न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और भी बहुत लाइसोजोम में माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रिओल है और साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अ लिटल लेटर, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो ज़रूर। देखिए और देखिए, सेल ऑर्गेनल्स, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे कैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, फिर उसके बारे में और ज़्यादा देखेंगे अगली अगली स्लाइड्स में। ऑर्गेनल्स आपको पता है सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, है ना, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो तो वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये पता होगा कि न्यूक्लियस क्या नहीं होता, सबको पता होगा यहाँ पर कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस के बीचों बीच जो पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, बताएंगे हम आपको। सिर्फ आप नाम देख लीजिए क्या क्या नाम आ रहे हैं, वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, साइटोस्केलेटन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोसोल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, सेल मेम्ब्रेन। बस इतने ही हम पढ़ेंगे, बस बस नहीं, ये बहुत है आपके लिए, इतना तो इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ये देखिए सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसके बारे में बहुत सारे हैं इसमें, ये अभी इस लेवल के लिए काफ़ी है इतना मेरे हिसाब से। न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लेंगे हम, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ लेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप अभी पढ़ेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको तो हम गहराई से पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको दिख रहा है ना, अब जो पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे होंगे आपको इन पर, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स मैं लिख नहीं पा रहा है, सॉरी, राइबोसोम्स हो गए, ये छोटे छोटे वो हैं पॉइंट। एक होता है गोल्जी अपैरेटस, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो भी फूड आएगा ना उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, क्या, गोल्जी अपैरेटस। बस चलिए, इतना ही है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, बहुत पढ़ लिया। अब जो इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे भैया, न्यूक्लियस क्या होता है और ये चीज़ें क्या हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ कमेंट, कमेंट तो कर ही देना यार, इतना मेहनत से बनाया है, इतना बहुत दिनों बाद बनाया है। और मुझे पता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की, क्योंकि मैं बहुत ही नया यूट्यूबर हूँ, लगभग ये मेरा तीसरा वीडियो है। पिछली और बाकी कुछ दो वीडियो जो देखे हैं, बनाए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए, ये बेसिकली 8th स्टैंडर्ड वालों बच्चों के लिए ये है मेरा वीडियो, सिर्फ 8th स्टैंडर्ड वालों के बच्चों के लिए है। और हालांकि मैं भी अभी 8th स्टैंडर्ड में ही हूँ, 8th स्टैंडर्ड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड है 8th क्लास में, तो आपको ज़रूर भी वीडियो भेजना चाहिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं इस वीडियो में, ताकि मैं उनको अगले आने वाले अपने पार्ट 2 के वीडियो में उनको ना करूँ। तो थैंक यू वंस अगेन।